बहुत ही प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। मैं संदीप सिंह, पंजाबी मास्टर, बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। बच्चों, पहला मैं तुहानू दो तीन सवाल पूछांगा अते फिर असी अज दी कहानी पढ़ांगे। जी सर, जरूर पूछो। तां बच्चों, पहला सवाल है, तुसी सवेरे किसकी आवाज सुन के उठते हो? इस दे तुहानू तीन ऑप्शन दिते जाणगे। पहला ऑप्शन है मां दी हाक, दूजा ऑप्शन है फोन अलार्म, अते तीजा ऑप्शन है टाइम पीस अलार्म। सर मां दी हाक नाल। सर टाइम पीस अलार्म नाल। शाबाश, वेरी गुड। बच्चो, ता तुसी सारे अलग अलग तरीके ना उठते हो, कोई मां दी हाक नाल, कोई टाइम पीस अलार्म नाल। ता आओ फिर अगला सवाल देखते हैं। पुराने समय विच लोग किस दी बांग नाल उठते सी? पहला ऑप्शन है बत्तख, दूसरा ऑप्शन है मोर, तीसरा ऑप्शन है मुर्गा। सर जी मुर्गा। सर जी मुर्गियां। ता फिर आओ आज असी मुर्गी नाल संबंधित कहानी पढ़ लेने हैं। प्यारे बच्चों, बहुत पुराने समय दी गल है। एक पिंड विच एक गरीब किसान रहिंदा सी। ओ दिन रात मेहनत करदा पर उसके घर की आर्थिक हालत माड़ी ही बनी रहिंदी सी। पैसों की कमी होण करके उन्हां दे घर का गुजारा बहुत मुश्किल नाल चलदा सी। ते इसे करके बेचारा किसान बहुत परेशान रहिंदा सी। अपने घर की हालत सुधारन लई एक दिन वह शहरों कुछ मुर्गियां खरीद के लै आया ता जो वह मुर्गियां दे अंडे वेच के पैसे कमा सके। बच्चो, उन्हां मुर्गियां ने जो अंडे दिते ता किसान की देखता है कि उन्हां विचों एक मुर्गी दे अंडे सोने दे सन। मुर्गी दे सोने दे अंडे देख के किसान अते उसकी पत्नी बहुत खुश होए। ता प्यारे बच्चो, इस तरह वह मुर्गी हर रोज़ सोने का एक अंडा देन लगी, जिसनू वेच के किसान दिन प्रतिदिन अमीर हुंदा गया। पर नाल ही इउं भी होया, हुण उसने मेहनत करनी छड़ दित्ती अते वह होर वध अमीर होण बारे सोचण लग्या। तां बच्चो, मैं तुहानू इत्थे एक सवाल पुछना चाहुंदा हाँ कि जेकर तुहानू मुफ्त विच कोई चीज़ हर रोज़ मिलती होवे तां की तुसी मेहनत करोगे? हुण वह बिना मेहनत कीतिया एकदम अमीर होण दे सुपने वेखण लग पिया। बच्चो, किसान दे मन विच सोने दे अंडिया दा लालच भर गया सी। उसने एक दिन सोचा कि जेकर मुर्गी हर रोज़ सोने का एक अंडा दिंदी है तो उसके पेट विच बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। वो एक बार विच ही मुर्गी के पेट विचों सारे सोने के अंडे कढ़ण बारे सोचण लग्या, जिस नाल वो करोड़पति बन जाएगा। बच्चो, किसान ने एक दिन लालच विच आ के मुर्गी नू पकड़ लिया ते चाकू नाल उसका पेट चीर दिता। इस तरह बेचारी मुर्गी मर गई अते किसान ने हर रोज़ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नू हथों गवा लिया। उसने सोचा सी कि मुर्गी दे पेट विचों बहुत सारे सोने दे अंडे निकलणगे, पर खून तो इलावा होर कुछ ना निकलिया। हुण किसान बहुत पछता रहा सी, क्योंकि वेला हथों निकल चुका सी। हुण उस कोल पछतावे तो इलावा कुछ ना रहा। सो बच्चो, इस कहानी नू पढ़ के सानू की सिख्या मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल, शाबाश। इस कहानी नू पढ़ के सानू सिख्या मिलती है कि लालच एक बुरी बला है। सानू लालच विच नहीं आना चाहिदा। लालच करना मनुख अपनिया मुलवान चीज़ा गवा लैंदा है। इस करके सानू अपने कोल जो भी चीज़ है उस विच सबर करना चाहिदा है, क्योंकि सबर दा फल मिठा हुंदा है। बच्चो, ता जिहड़ी कहानी असी हुणे पढ़ी है की तुहानू समझ आ गई है?
हाँ सर, मैंने बिल्कुल समझ आ गई है। हाँ जी सर, मैंने बिल्कुल कहानी समझ आई है।